एवरीबॉडी, कैसे सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो जिसका नाम, रेसिपी का हमारा फूड का नाम है फिश एंड चिप्स। बेसिकली हमारी रेसिपी है फ्रांस की। तो फ्रांस की रेसिपी है हमारी फिश, देन फ्रेंच फ्राइज होती है जो हमारी फ्रांस से ही बिलोंग करती है। ये सारा फूड हमारा फ्रांस से ही है। काफ़ी लोग कहते हैं इटालियन है, काफ़ी लोग कहते हैं फ्रांस है, तो बिल्कुल मिक्स हुआ पड़ा है। मिक्स एक्चुअली क्या है, हमारा कॉन्टिनेंटल बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर फ्रांस भी आता है, इटली भी आती है, अमेरिका भी आ जाता है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन हर जगह का हमारा लिया हुआ है इसके अंदर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो। तो हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, हम लोग जैसे फ़िश लेते हैं, फ़िश हमारे पास बासा होती है, जो हमारी बेस हो, प्ले हो, उसमें हमारे पास कोई हड्डी नहीं, उसके अंदर में हमारा कोई कांटा वगैरह या उसकी बैकबोन होती है, वो चीज़ कुछ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। फ़िश ले सकते हो आप, सुरमई ले सकते हो, बासा ले सकते हो, सिंगाड़ा ले सकते हो, आप इसमें से कोई सी फ़िश ले सकते हो। फर्स्ट क्या करेंगे, हम उसका मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन का मैं तरीका बताता हूँ आपको, क्या करना है आपको, मस्टर्ड लेनी है करीब 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 150 ग्राम के आसपास, अगर आपकी फ़िश है आधी किलो के अराउंड, आधी किलो फिश, 150 ग्राम मस्टर्ड, उसके अंदर गार्लिक डालेंगे चॉप 50 ग्राम। गार्लिक पेस्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी डाल सकते, बट जिंजर मत डालना, ओनली गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट हो गया हमारा 30 ग्राम के आसपास या 20 ग्राम के आसपास, आप गार्लिक पेस्ट ले सकते हो। गार्लिक पेस्ट 20 ग्राम ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए स्वाद अनुसार, ब्लैक पेपर ले लेना 5 ग्राम के अराउंड, क्रश होना चाहिए हमारे पास ब्लैक पेपर। अभी आप लोग साबुत डाल लो तो क्रश ब्लैक पेपर डाल देना उसके अंदर में, और उसके अंदर में हम 2 एग डालेंगे और उसको हम लोग सेट करेंगे, मैरिनेशन को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में हम लोग उसको अंदर लेमन डालेंगे एक काट के, और उसके बाद उसके अंदर डालेंगे हम लोग मैदा। मैदा इसलिए चाहिए हमारे को थिकनेस के लिए, हमारा थिकी बैटर होना चाहिए काफ़ी, ताकि हमारे फिश को वो कोट कर ले, तो उसको बैटर बनाएंगे, थिकी बनाएंगे। थिकी बनाने का आप इसके अंदर पार्सले वगैरह भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो हर्ब्स वगैरह, बाकी आप थोड़ी सी रोजमेरी डाल सकते हो, थोड़ी सी अंदर, तो इससे एरोमा अच्छा निकल के आता है। फिश के अंदर जो स्मेल होती है, एरोमा वगैरह होता है, तो वो फिश को थोड़ा सा कन्वर्ट करता है अपने एरोमा के साथ में, रोजमेरी एंड थाइम। तो ये हम लोग हमारा कोट हो गया, बैटर तैयार हो गया, बैटर को हम साइड रखेंगे। साइड रखेंगे हम फिश को पील करेंगे, उसके हमें कोई एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह हो, जैसे समथिंग फैट वगैरह होता है या उसकी स्किन होती है, वो सब निकाल देंगे। आपको जितने बड़े साइज़ का पोर्शन चाहिए, आई मीन टू से कि आपको अगर 5 mm का चाहिए या आपको 5 इंच का चाहिए या 4 इंच का चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग आप फिश को काट सकते हैं, अपने प्ले को काट सकते हैं। प्ले को काटने के बाद में हम उस बैटर के अंदर में डिप कर देंगे, उसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। अगर मिक्स करके उसको हम 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे फ्रिज के अंदर में, आपने फ्रिज के टेम्परेचर ज़्यादा माइनस में नहीं होना चाहिए, अराउंड आपका 1 से लेकर 4 के बीच आपका टेम्परेचर होना चाहिए फ्रिज का। उसके बाद में 2 घंटे के लिए हम उसको आपको साइड में रख दिया, 2 घंटे या 1 घंटे के लिए मिनिमम रखना पड़ेगा आपको, ताकि आपका जो फिश का मैरिनेशन के अंदर हमने मैरिनेट किया है उसका फ्लेवर उसके अंदर अच्छे से चले जाए। इधर की साइड हम लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास फिश है और चिप्स जिसे कहते हैं हम लोग फ्रेंच फ्राइज, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या करेंगे, पोटैटो काटेंगे। पोटैटो काटने के बाद में उसके फ्रेंच फ्राइज निकालेंगे, लंबे लंबे फ्रेंच फ्राइज निकाल के हम लोग हल्का सा हीट करेंगे ऑयल। ऑयल हमारा होना चाहिए 180 का टेम्परेचर, इससे ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिश ऊपर से, चिप्स हमारा ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से चिप्स पकेंगे नहीं, आई मीन फ्रेंच फ्राइज पकेंगे नहीं। तो हम लोग स्लो हीट पर उसको कुक होने के लिए रख देंगे। तो हमारा फ्रेंच फ्राइज का प्रोसीजर क्या है, हम लोग पहले क्या करेंगे, आलू काटेंगे, आलू काटेंगे हल्का सा कॉर्नफ्लोर टच करेंगे, सॉल्ट टच करेंगे, उसके अंदर में पेपर टच करेंगे। पेपर टच करने के बाद में उसके बाद उसको हम लोग फ्राई करेंगे स्लो हीट पे, 180 का टेम्परेचर होना चाहिए, और हम लोग देखेंगे उसको खा के देख, तोड़ तोड़ के देख लीजिए आप, जब आपको लगता है कि हाँ ये 80% पक गए या 90% पक गए, जब आप उसको तोड़ के देख लीजिए, अगर आपको कुक हो जाता है तो ठीक है, तो थोड़ा सा और पका सकते हैं आप। उस फिश मैरिनेट हुई थी उसको हम निकालेंगे, ब्रेड क्रम लेंगे हम लोग, ब्रेड क्रम अगर आपके पास नहीं होता है तो आप बाज़ार से ब्रेड ला के उसको काट के धूप में सुखा के उसका ब्रेड क्रम बना सकते हैं आप। ब्रेड क्रम बनाने के बाद में हम लोग फिश को कोट करेंगे ब्रेड क्रम में। ब्रेड क्रम के बाद हम लोग ऑयल को, हमारा ऑयल होना चाहिए 220 से 200 के अराउंड, इससे ज़्यादा हाई हीट ऑयल होना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी फ़िश का बैटर क्रम जो है वो काला पड़ जाएगा और हमारी फ़िश प्रॉपर कुक नहीं होगी। हम लोग उसको क्या करेंगे, फिर
फ्राइड करेंगे, फ़िश को हम फ्राइड करेंगे प्रॉपर तरीके से, अच्छे से फ़िश को फ्राइड करेंगे अच्छे से। और उसके बाद में जब हम फ़िश हमारी फ्राइड हो जाती है तो हम लोग उसको चेक करेंगे, अगर आपका टूथपिक वगैरह है तो आप उसके अंदर लगा के देख सकते हैं। अगर वो ठंडी होती है तो देन आपकी फ़िश कच्ची है, अगर वो गर्म होगी तो आपकी फ़िश कुक हो जाएगी। फ़िश आपकी समथिंग समथिंग 4 मिनट में कुक हो जाएगी, अगर आप 180 के टेम्परेचर या 200 के टेम्परेचर में कुक करते हैं फ़िश को। तो कुक होने के बाद में फ़िश को हम उसके ऊपर में एक्स्ट्रा जो ऑयल होएगा हम नेपकिन वगैरह से टैप करके हटा सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाटर सॉस लेंगे। अगर आपका टाटर सॉस नहीं होती है तो आप रेडीमेड खरीद सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैं अगली वीडियो में पोस्ट कर दूँगा आपको, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ़िश लेंगे, फ़िश को एक साइड लगाएंगे। उसके बाद में हम लोग आपका फ्रेंच फ्राइज लेंगे, फ्रेंच फ्राइज लगाने के बाद एक लेमन वेस्ट डालेंगे, एक पार्ट ऑफ लेमन होता है हमारा, उसको निकाल के साइड में रखेंगे। देन हमारी टाटर सॉस आ जाएगी या आपकी फ़िश एंड चिप्स रेडी हो जाएगी, आप इंजॉय कर सकते हैं इसको, फ़िश एंड चिप्स को अच्छे से। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी भी रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए या फिर किसी का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें मेरे YouTube चैनल पे, या भी जो भी वीडियो पे आपको पसंद आती है कि हाँ मुझे स्क्रिप्ट वगैरह चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके लिए आपके कमेंट को पढ़ूंगा, उसके बाद उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो पोस्ट करके दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।